नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथ ही जो आज की CCS यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहला है जो हमारे नए सत्र के एडमिशन चल रहे हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स कोटा वालों को क्या चीजें बताई गई हैं और उनके जो एडमिशन है उनकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। दूसरा, जो हमारे PG के लिए एडमिशन चल रहे हैं उसके बारे में, और तीसरा हमारा जो BEd वाले बच्चे हैं उनके बारे में, तो और भी आपके जो क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं उनके बारे में। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। CCS यूनिवर्सिटी जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर मैं देता हूं। लगभग काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हमारे जो है बैक पेपर है वो उनको प्रमोट कर दिया गया है लेकिन उसमें हमारे मार्क्स नहीं आए हैं, तो अब हमारा क्या होना है। बताया जा रहा है कि हमारे जो एग्जाम है वो जनवरी में कराए जाएंगे, तो जनवरी में अगर हमारे बैक पेपर होंगे तो हमारे जो मेन सेमेस्टर के पेपर है वो फिर कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बैक पेपर है और जो हमारे रेगुलर पेपर होंगे उसमें हो सकता है वो अलग अलग कराए जाएं। तो आपके जो प्रमोट वाले पेपर हैं वो जनवरी में या फरवरी में कराए जाएंगे, और जो सेमेस्टर पेपर होने की उम्मीद है इस बार वो फरवरी के लास्ट में या मार्च में हमारे पेपर होंगे सेमेस्टर वाले, जो हमारे दिसंबर में होते थे। क्योंकि अभी हमारा सेशन शुरू ही नहीं हुआ है, जो हमारे फर्स्ट ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए तो इस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपका शेड्यूल है वो अलग तरीके से रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, आप बच्चे काफी ज्यादा मेरे से पूछ रहे हैं कि जो BBA वाले हैं, BCA वाले हैं और जो हमारे सेमेस्टर मोड कोर्सेज वाले बच्चे हैं कि सर हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा, हमें एडमिशन लेना है PG में या हमें जॉब करना है या कोई और उनको फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए तो उनको अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ कि उनके जो है कॉलेज से सेशनल और आपके मार्क्स नहीं गए हैं, इंटरनल मार्क्स नहीं गए हैं। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। अब कॉलेजों से जो इंटरनल मार्क्स है, प्रैक्टिकल मार्क्स है, सेशनल मार्क्स से वो जाने शुरू हो गए हैं, तो आपका जो रिजल्ट है पूरी पूरी उम्मीद है आपका जो रिजल्ट 20 नवंबर से पहले पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 20 नवंबर लास्ट होगा, उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारे BBA है, BCA है, जो भी हमारे ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं, जिन कॉलेज के प्रैक्टिकल के मार्क्स सबमिट हो जाएंगे, सेशनल के मार्क्स सबमिट हो जाएंगे, यदि जिन कॉलेजों के मार्क्स सबमिट नहीं होंगे उन कॉलेजों का रिजल्ट पेंडिंग रह जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो UG में एडमिशन चल रहे हैं, तो उसमें बच्चों का फिर दोबारा से एक बार पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। 20 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन रहेगा, तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ के साथ जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनको स्पेशल कोटा मिलता है, 5% का कोटा मिलेगा, स्पेशल कोटा मिलेगा 5% का रहेगा, तो स्पोर्ट्स कोटे वालों के लिए जो एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा तो वो 17 से 19 तारीख तक, यानी कि 3 दिन रहेगा, 17 में, 18 में और 19 में, तो उनका ट्रायल रहेगा, उनके बिहाफ पे जो उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो उसमें जो गेम्स हैं वो सब गेम अलग अलग हैं कि पहले दिन कौन से होने हैं, दूसरे दिन कौन से होने हैं, तीसरे दिन कौन से होने हैं, तो सबका पूरा शेड्यूल बना हुआ है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डला हुआ है। तो जो स्पोर्ट्स कोर्सेज से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं CCS यूनिवर्सिटी के कैंपस में या कॉलेजों में, तो वो अपना जो है 17, 18 और 19 इन तारीख में अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं या कौन सा स्पोर्ट्स खेल चुके हैं तो उन सब के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो 5% स्पोर्ट्स कोटा होता है तो आपको उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको देख करना क्या है, CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जो एडमिशन की प्रक्रिया है वहां पर जाकर अपना जो स्पोर्ट्स कोटा वाला है कॉलम है वहां पर जाकर आप अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कौन सा गेम किस डे में होने वाला है, तो उसके बाद में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। BEd फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो इस बार फर्स्ट ईयर में थे, BEd फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल होंगे, हमारे जो एग्जाम कराए जाएंगे हम प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, BEd फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गया है, इस बार कोई प्रैक्टिकल नहीं होने वाले हैं, तो आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाएगा, वो प्रोविजनली रिजल्ट आएगा, लेकिन जो आपके सेकंड ईयर के मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट रहेगा, यानी कि अभी आपको प्रोविजनली प्रमोट किया जाएगा। और हो सकता है इसके एग्जाम बाद में कराए जाए या आप जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अभी इसका एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं है, अभी एग्जाम नहीं होने वाले हैं, ना ही कोई आपका प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो आपको जो है रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 2 से 5 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
दूसरा जो बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो वो बच्चे अपना शेड्यूल चेक कर लें, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्लॉट बनाए थे, 4 स्लॉट बनाए थे, उसमें जो लास्ट है वो हमारे 20 नवंबर से पहले पहले प्रैक्टिकल होने हैं। तो आप देख लीजिए आपका प्रैक्टिकल किस डेट में है, वो शेड्यूल मैंने वीडियो भी बनाई है उसके लिए स्पेशली। यदि आपको अपना शेड्यूल देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।